हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, मैं आनंद कुमार कर अपने यूट्यूब चैनल एक करण क्लासेस इंडिया नंबर वन से आपके बीच प्रस्तुत हूं। बहुत ही बेस्ट सेशन लेकर एवरेज का, औसत का या पार्ट फाइव वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। और आज के इस वीडियो बनाने में मुझे मदद कर रहे हैं मेरे असिस्टेंट मिस्टर चंदन जी, और चंदन जी के सहयोग से मैं यह वीडियो आपके समक्ष आज प्रस्तुत कर रहा हूं। क्लास आरंभ करने से पहले दोस्तों, चलिए हमारे कोचिंग के डायरेक्टर सर मिस्टर राजू सर जी का ये मोबाइल नंबर 9934849798, जो प्रत्येक दिन आप हमारे मोबाइल स्क्रीन पर देखते होंगे, तो आप किसी भी प्रकार का कोचिंग संबंधी जानकारी मिस्टर राजू सर जी से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमने यह औसत का विगत चार वीडियो जारी कर दिया हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मेरा कोई भी पार्ट, किसी भी चैप्टर का जब आप देखते हो, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरा पहला जो पार्ट होता है थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट का, वो देखना न भूले, क्योंकि थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट समझ लेने के बाद हमें आगामी जो क्वेश्चन आते हैं उसको बनाने में काफी सहूलियत होती है। तो यह मानते हुए कि आपने मेरा लास्ट वीडियो पार्ट वन इस एवरेज का जरूर देखे होंगे, और तब ये मेरा पार्ट फाइव वीडियो आप देख रहे होंगे। अगर आप कोई न्यू सब्सक्राइबर हो तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो पसंद आ जाए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि कोई भी आगामी वीडियो मैं बनाऊं और प्रस्तुत करूं तो उसका नोटिफिकेशन प्रथमतः आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न है कि पांच संख्याओं का औसत 18 है, तो इसे जनरल मैथमेटिक्स की तौर पर अगर बनाऊं तो पांच संख्याएं हैं नंबर, और इनका एवरेज अगर 18 है तो एवरेज को अगर नंबर से गुना कर लूं तो यह 18×95 मेरा टोटल हो जाएगा। और अब है एक संख्या छोड़ देने पर, तो पांच संख्या में अगर एक संख्या आप छोड़ दीजिए तो संख्या बचेंगे चार, और तब कहता है कि इसका औसत 16 हो जाता है। तो अब इसे 16 से गुना कर लूं तो 16×64, और तब अगर मैं पांच संख्याओं के टोटल योग में से चार संख्या का टोटल योग अगर घटा दूं तो 90 में 64 घटा हूं, 10 में 4 गया 6 और 8 में 6 गया 2, और वह पांच संख्या में से चार संख्या घटा लिया तो एक संख्या जो हमने छोड़ा था उसका औसत 26 आ गया। और हमसे पूछता भी है कि छोड़ी गई संख्या क्या है, तो छोड़ी गई संख्या 26, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो इस विधि से आप इस प्रश्न को, जो एवरेज का मूल कॉन्सेप्ट है उसे आप, हमने बनाया, आपने सीखा। ऐसा प्रश्न में अगर पांच संख्याओं का 18.something दे देता पॉइंट में, और तब अगर काम करना होता तो थोड़ा सा गुना करने में, मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में ये होता कि आइडलनेस मुझमें थोड़ा सा आलसीपन आ जाता। तो इस आलसीपन से बचने के लिए ऐसे प्रश्न को बनाने का एक न्यू टेक्निक आपके सामने रख रहा हूं, जिसे आप देखें। समझिए कि पांच संख्याओं का औसत 18 है और एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाती है। तो पांच संख्या में एक संख्या छोड़ दूं तो ये कहूं कि चार संख्या का औसत 16 है, और एक संख्या और इसमें बढ़ा लूं तो यह औसत 18 हो जाता है। और इस तरह अब अगर मैं यहां देखूं तो ये औसत में यहां कहेंगे 2 की वृद्धि हुई है,
और अब इसे अगर डायरेक्ट हल करूं तो ये चार जो पिछली संख्या थी और यहां जो आप वृद्धि देखते हैं तो इस चार का इस दो से गुना कर ले, चार गुने आठ, और यहां पर वृद्धि न हो रही है तो 18 में ये 8 को जोड़ ले और आपका आंसर 26 विद इन सेकेंड आ सकता है। और यह क्रिया आप मौखिक भी कर सकते हैं, अगर पॉइंट में यह क्वेश्चन आपको देता तो बनाने में और काफी सुविधा होता। जैसे कि मैं अगला प्रश्न आपका दिखा रहा हूं इसी मेथड से, जिसे आप देखें फिर इसे समझ लें कि चार संख्या का औसत 16 है। क्यों? क्योंकि पांच संख्याओं का औसत 18 दिया है, एक संख्या छोड़ने पर औसत अगर 16 हो जाती है तो पांच संख्या में से एक संख्या अगर छोड़ दूं तो यूं कहूं कि चार संख्या का औसत 16 है और एक संख्या अगर और बढ़ा लूं तब ही पांच संख्या होगा और तब जाकर औसत 18। इसका मतलब एवरेज में 2 की वृद्धि हो गई और इस तरह जो वृद्धि दिख रहा है उसको पिछले नंबर से गुना करके नया जोड़ ले एवरेज तो डायरेक्ट आपका ऑप्शन प्राप्त होगा। जैसे कि मैं आपके समक्ष यह रख रहा हूं प्रश्न सेकेंड, देखा जाए कि किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं, उनका औसत भार 45 केजी है। एक विद्यार्थी के कक्षा छोड़ देने पर तो इसका मतलब 50 में से एक छोड़ेगा तो 49 स्टूडेंट का औसत, देखिए यहां पर 100 किलोग्राम कम हो जाता है, 100 किलोग्राम नहीं 100 ग्राम कम हो जाता है। तो 45 केजी में से अगर 100 ग्राम कोई घटा ले तो हम कहेंगे ये 44.9 केजी रहा होगा। 44.9 का माने 44 केजी 900 ग्राम। और अगर हम एक 50 विद्यार्थी ले लूं, अर्थात एक विद्यार्थी अगर इसमें बढ़ा लूं तो यही ना औसत आपका 50 केजी है। तो यहाँ कहेंगे वास्तव में यहाँ 44.9 से 50 केजी बढ़ना रियली 100 ग्राम की वृद्धि है और ये वृद्धि को अगर पीछे वाले टर्म से गुना कर ले तो 49 का 100 से गुना 4900 ग्राम होगा और 4900 ग्राम का मतलब 4 किलो 900। और इसमें से अगर हम 4 किलो 900 ग्राम वास्तव में घटा दूं तो 50 में से अगर 4 किलो 900 ग्राम, फिर से एक बार क्वेश्चन दोस्तों, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं और उनका औसत भार 45 केजी है तो यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुआ, ये 49 के बाद एक बार आने से 50 आने पर यह 45 केजी न रहा होगा, 45 केजी ही औसत है। अब 49 को 100 ग्राम से आप गुना अगर करें तो यह 4 किलो 900 ग्राम, और 4 किलो 900 ग्राम अगर इसमें बढ़ा लूं तो 45 और 4 49.9 केजी हम कहेंगे कि कक्षा छोड़ने वाले का वजन है और ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। फिर से इस प्रश्न को समझ लें, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं और उनका औसत भार 45 केजी है, एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देने पर औसत भार 100 ग्राम कम हो जाता है तो 45 केजी से 100 ग्राम अगर घटा लूं तो 44.9 केजी या 44 किलो 900 ग्राम कहेंगे तो कहेंगे 49 छात्रों का एवरेज 44.9 केजी है और एक बार आ लूं तो यही 50 स्टूडेंट होगा जिसका औसत आपका 45 दिया है। जितना कमी या वृद्धि यहाँ पर देता है उसको अगर पिछले नंबर से गुना करके वृद्धि है तो बढ़ा कर इस औसत में बोले, कमी होता तो घटा कर बोलता, और इस तरह मेरा ऑप्शन विदाउट कैलकुलेशन मौखिक भी प्राप्त किए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये 2 प्रश्न आपका समाप्त हुआ, आगामी पुनः क्वेश्चन पर मैं विचार करता हूँ। मेरे असिस्टेंट चंदन जी
आपके बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन रख रहे हैं और अगला प्रश्न मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। देखिए दोस्तों, प्रश्न है नेक्स्ट कि क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों का औसत आयु 20 वर्ष है, तो नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ मेन 11 और 11 खिलाड़ियों का औसत आयु 20 इयर्स है। यदि उसके शिक्षक की भी आयु सम्मिलित कर ली जाए या शामिल कर ली जाए, तो एक टीचर एक आदमी आया तो औसत में कहता है 10% बढ़ जाती है। तो अगर 20 का हम 10% देखें तो 20 का 10% तो कहेंगे कि 2 होगा, और या 2 अगर बढ़ा लो तो नया औसत तब 22 कहलाएगा। और अभी अभी आपको सिखाया था कि इस 11 से अगर इस वृद्धि को आप गुना करें तो 11 का 2 से गुना 22 ही होगा, और इस 22 में अगर इस एवरेज में ये 22 जोड़ लूं तो 22 में 22 जोड़ने से ये 44, और यही तो आपके टीचर की आयु है, और 44 वर्ष आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। मुझे विश्वास है इस टेक्निक को आप फॉलो करेंगे और इस पर किसी भी प्रश्नों का हल आप प्रश्न पर देंगे तो पलक झपकते ही उत्तर आप कह देंगे। 11 प्लेयर्स का एवरेज था 20, एक टीचर आया तो एवरेज में 20 में 10% की वृद्धि हुई, तो 20 का 10% बोलेंगे तो, और ये 2 बढ़ने का मतलब 20 से बढ़कर हो गया 22। और हम देख रहे हैं कि पिछला जो व्यक्ति होता है उसको वृद्धि से या कमी से गुना करेंगे, बढ़ रहा है तो बढ़ाकर एवरेज उत्तर में देंगे, घटा रहा है तो एवरेज में घटाकर उत्तर देंगे। और 44 वर्ष यहाँ पर 11 × 22 जोड़ दिया तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल ही 44 वर्ष करेक्ट आ गया। तो बिना देर किए हुए दोस्तों आपके समक्ष चल रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा और आप इसे समझें। एक कक्षा में 50 छात्र हैं, एक 40 केजी भार वाला विद्यार्थी छोड़कर विद्यालय चला जाता है, तो 40 केजी का एक स्टूडेंट स्कूल छोड़कर चला गया, विद्यालय छोड़कर चला गया, और उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी स्थान पा लेता है, अर्थात 50 स्टूडेंट्स में से एक चला गया बदले में एक आ गया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपरिवर्तित रहा, 50 के 50 स्टूडेंट तो रह ही न गए, 50 के ग्रुप में एक चला जाए और उस जाने के एवज में एक नया आ जाए तो हम कहेंगे कि संख्या अपरिवर्तित रही, लेकिन इससे कहता है कि उसके औसत भार में 100 ग्राम घट जाता है, मतलब कमी आती है, तो कहेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 था और 50 स्टूडेंट पर अगर 100 ग्राम की कमी हो जाए तो कहेंगे 50 छात्रों पर एवरेज में 100 ग्राम का कमी होना, अर्थात टोटल कमी 50 × 100 का मतलब 5 केजी का होना है, अर्थात ये कमी इंगित कर रहा है, क्योंकि 100 ग्राम को आपका कमी माइनस हुआ था, तो जो 40 केजी वाला गया है और बदले में 40 केजी का ही आता तो औसत न बढ़ता और न घटता, लेकिन एक नए आने से एवरेज अगर 100 ग्राम घट रही है तो कहेंगे 50 का एवरेज 100 ग्राम से घटना, अर्थात 50 × 100 5 किलो घट जाना, तो 40 केजी के बदले में 5 केजी अगर घटा कर बोलूं तो 40 में 5 गया, आप बोलेंगे 35 केजी का ही नया छात्र आया होगा और मेरा ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। और इस तरह दोस्तों आपका ये भी प्रश्न समाप्त हुआ। अगर यहाँ 50 का एवरेज में
एक के जाने से एक के आने पर अगर 100 ग्राम की वृद्धि हो जाती तो हम 50 गुने 100 ग्राम दैट इज 5 केजी वृद्धि बोलते, तब 40 में 5 केजी बढ़ाकर तब मेरा ऑप्शन 45 केजी हो जाता। लेकिन यहाँ औसत भार में देख सकते हैं क्वेश्चन, औसत भार में 100 ग्राम क्या हो रही है, घट जाता है, घट जा रही है, कमी हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस कर लिया और ऑप्शन बता दिया। इस टाइप का प्रश्न आप क्विक एंड फास्ट मौखिक कैलकुलेशन से कर सकते हैं बिना देर किए हुए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक्टिविटी कर रहा हूं। जी हाँ, और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ध्यान से देखें। प्रश्न है कि 10 संख्याओं का औसत 15 पर ही कलित किया गया है, तो आपका नंबर है दोस्तों 10 और इसका एवरेज है 15, तो इसका गुना कर लूं तो यही तो मेरा टोटल 150 आएगा। बाद में पता चलता है कि एक संख्या 36 को गलती से 26 पर लिया गया था, तो आप ही कहें कि जब 10 संख्या हम लिखे होंगे, पहला दूसरा तीसरा ऐसे ऐसे 10 संख्या, तो इसका पहले जोर आया होगा 150 और इस 150 में 10 से भाग लगा दिए होंगे, तभी ना एवरेज मेरा 15 या 15 आया होगा। तो ऐसा जब 10 संख्या हम नोट कर रहा था एवरेज फाइंड करने हेतु, तो हमसे धोखा क्या हुआ कि संख्या जो 36 सही लिखना था इसके बदले में दोस्तों हमने क्या किया, धोखा से 26 गलती से लिख लिया। तो कहेंगे 36 के बदले 26 लिखने से रियली मुझे 10 की कमी रह गई होगी, अर्थात जो 150 मेरा संपूर्ण जोर अभी दिख रहा है वह 150 न होकर या 10 घटा हुआ है। तो रियल में इसका वास्तविक जो जोर है वह 160 रहा होगा, और तब अगर मैं अब इसका सही औसत का आकलन करूं तो संख्या तो 10 ही थे, 10 से भाग लगा दूं तो मेरा एवरेज 16 फाइंड हो जाएगा। फिर समझ ले इस प्रश्न को, संख्याएं थे 10, इसका एवरेज निकाला 15, टोटल आया 150, धोखा क्या हुआ, एक संख्या जो 36 लिखना था उसके बदले में अगर हम 26 लिख लिए, तो 36 के अगर 26 लिख दे कोई तो कहेंगे संपूर्ण जोर में 10 की कमी हो गई जो इसका डिफरेंस है। अगर 26 के बदले 36 लिख देता तो जोर में 10 बढ़ जाता, अभी 36 के बदले 26 लिखा तो 10 कम गया, तो संपूर्ण जोर जो 150 है यह सरासर गलत है, इसमें 10 बढ़ाना पड़ेगा ताकि करेक्ट योग फल प्राप्त हो जाए। सही जोर 160, संख्याएं 10, 10 से भाग लगाया मेरा ऑप्शन 16 आ गया। इसे आप ऐसे भी देख सकते थे मजे में कि 10 संख्या है, इसका एवरेज 15 है, और अगर मैं इन तमाम बातों का जिक्र हटा दूं और तब कहूं कि 36 के बदले अगर 26 लिख दे तो कहेंगे रियल में यह 10 घट गई है, तो संपूर्ण जोर 10 घटा, संख्याएं क्या थी 10, तो कहेंगे 10 पर अगर 10 की कमी हुई तो एक पर एक का कमी, और कमी का मतलब एवरेज में अगर एक बढ़ा लू तो हम कहेंगे 15 और एक 16 मेरा रियल औसत आ जाएगा। और इस तरह इस प्रश्न का हल हम मौखिक भी कर सकते हैं दोस्तों, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रश्न का हल मौखिक बहुत मजे में किए जा सकते हैं। और इस तरह आप ऐसे प्रश्नों को 10 संख्या था औसत था 15, अगर 36 के बदले 26 लिख लूं तो कहेंगे 10 घट गया, 10 संख्या पर 10 का कमी आना एक पर एक का कमी दर्शाता है, जब केस कमी का हो तो एवरेज एवरेज में बढ़ा कर बोले, अगर केस वृद्धि का होता तो एवरेज में घटा कर बोलते, और इस तरह मेरा यहाँ कमी हो गया था, इसीलिए एक बढ़ा कर मैं 16 क्विक एंड फास्ट
मौखिक उत्तर दे सकता था और इस तरह आज का यह सुंदर सा सेशन आपके बीच मैं समाप्त कर रहा हूं। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आज का यह वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अपना कमेंट करना नहीं भूलेंगे, लाइक करना नहीं भूलेंगे। अगर वीडियो ना पसंद लगे तो डिसलाइक भी करेंगे, वो भी मुझे स्वीकार है। आज की मुलाकात समाप्त करने का इजाजत दें। जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी के प्रति व्यस्त रहें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय। फिर बहुत जल्द मिलेंगे।